बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बच्चों के लिए बनाएंगे बहुत ही स्पाइसी से बड़े किस्से से बनते हैं जी, बहुत ही आई कैचिंग स्नैक्स हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तीन मिनट ज्यादा मैंने कर लिए, उसमें नमक ऐड किया, उसकी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, और 2 टेबल स्पून के अंदर मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं वनेगर ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हम मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जितने भी हम लोग स्पाइसी का मिक्स के अंदर मिक्स हो जाए। और अब हम इतनी देर में इसको इसके लिए जो हम लच्छे बनाएंगे तो इसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। और देखिए मैंने समझ की बढ़िया है, इसको हम बारीक बारीक फैट की तरह काट लेंगे। जितने आप फाइन इसको काटेंगे उतने ही अच्छे आपके कटिंग जैसे आपके पकौड़े बनेंगे। बस इसकी कटिंग है बहुत ज़बरदस्त से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप पनीर से काटें, इसको बहुत ही बारीक बारीक काटें। ताकि जो भी पट्टियाँ इसमें चिपकी हुई हैं, क्योंकि एक तरह से भी पट्टियाँ आपस में दो चिपकी होती हैं, इससे जो है बिल्कुल अलग हो जाएंगी। अब हम जो है इसका बैटर बना लेते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर नमक ऐड कर रही हूँ, इसी लाल मिर्च थोड़ी सी, इसके बैटर में भी इसमें थोड़े से स्पाइस डाल रही हूँ, वरना अंदर स्पाइस होंगे और ऊपर से जब इसका वो टेस्ट जो है फीका फीका आएगा तो आप इसको भी अंदर सपोर्ट हो जाए। मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली वीडियो की आपकी नई अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। कि देखिए एक एक गोटी इस तरह उठा के इस तरह से हम कोट कर लेंगे इसको अच्छे से। आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छे से ये रैप हो गई है, इसके अंदर कोट हो गई है, इतना रखें ताकि ये अच्छे से हो जाए इसके अंदर को। और अब हमने ये जो स्टिक पैड बना के रखे थे, अब हम इसको इस तरह से करके रैप कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हाथों से बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करेंगे, वरना फिर ये जो चिपक जाएंगे सारे, इसका जो हमारा जो लच्छा पकौड़ों का जो इफेक्ट होगा वो नहीं आएगा अच्छे से। अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम हाथ से इस तरह करेंगे ताकि वो चिपक नहीं जाए, और जो है ये चीज़ हम चाह रहे हैं वो भी बन जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको जब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ऑयल बहुत ज़्यादा तेज नहीं गर्म करें, मीडियम से लो करें आप। मैंने पहले गर्म किया था, उसके बाद जो लो कर दिया था, वरना अगर आप तेज इतने ज़बरदस्त हैं हमारे लच्छे पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी।